क्या आपको अपने ब्लॉग पोस्ट को फेसबुक के ऊपर शेयर करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में आपका भाई आपको बताने लगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ओके मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोग अपनी ब्लॉग पोस्ट को, अपने वेबसाइट के लिंक को फेसबुक के ऊपर शेयर करते हो, उससे जो ट्रैफिक आएगा उसके आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे और उसके डिसएडवांटेजेस आपको क्या मिलने वाले हैं। यहाँ पे यार एक छोटा सा वीडियो पूरा देखना, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छोटी सी वीडियो है, देख लोगे आपका ही फायदा। चलो यार बगैर टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अगर ब्लॉग पोस्ट को फेसबुक पे शेयर करते हो बेनिफिट क्या होगा और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होगा। सबसे पहले यार यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है अगर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को फेसबुक के ऊपर शेयर करते हो। ये तो यार हर बंदे को पता है कि आपको फेसबुक से बढ़ बढ़ के ट्रैफिक मिलेगा, अगर लाखों का भी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा अगर आप ग्रुप्स में जाकर अपनी पोस्ट को शेयर करते हो। ठीक है, इससे आपको अर्निंग भी अच्छी खासी होती है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको एक तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है, दोनों की अर्निंग बराबर हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप गूगल से ट्रैफिक ले रहे हो तो आपको यहां पर मेरे भाई डॉलर ज़्यादा मिलेंगे, और अगर आप यहाँ फेसबुक से ट्रैफिक ले रहे हो वहाँ पे आपको डॉलर कम मिलने वाला है। ऐसी बात है, ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। अब मैं आपको ये बता दूँ इसके बेनिफिट तो आपको पता चल गए, अब यार ब्लॉग पोस्ट को फेसबुक पे शेयर करने के डिसएडवांटेजेस भी सुन लो, बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर आप लोग अपनी ब्लॉग पोस्ट को, अपनी वेबसाइट के लिंक को फेसबुक पर शेयर करते हो तो आपको ट्रैफिक तो बहुत मिलेगा, लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेजेस आपको ये मिलेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर गूगल एडसेंस है, ठीक है, अगर आपके ब्लॉग के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल है, आपके गूगल एडसेंस के एड्स रन होते हैं, जब कोई ट्रैफिक आपकी साइट पे आता है, चाहे एक बंदा आया, चाहे हज़ार आया, चाहे 10 लाख बंदा आया, उन्हें आपके एड्स शो होते हैं। सही हो गया, सही है। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक सिर्फ सोशल मीडिया से आ रहा है लाइक फेसबुक से, तो आपके यहाँ पे गूगल एडसेंस वाले क्या करते हैं, एड लिमिट आपको दे देते हैं। एड लिमिट आने की सबसे बड़ी रीज़न ही यही होती है कि आपकी साइट के ऊपर फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा होता है। अगर आप फेसबुक से ज़्यादा ट्रैफिक लेते हो मोर देन अपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक से, तो यार आपको यहाँ पर एड्स लिमिट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके गूगल एडसेंस का अकाउंट डिसेबल भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एड लिमिट आई है वो हट ही जाएगी, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एड लिमिट की वजह से आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट को बैन कर दिया जाए, डिसेबल कर दिया जाए। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, प्रैक्टिकली मैंने भी बहुत ज़्यादा इसे देखा है और आपने भी देखा होगा। मैं यहाँ पे आपको यही कहना चाहूँगा फेसबुक से ट्रैफिक नहीं लो। इसका दूसरा डिसएडवांटेज आपके लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप फेसबुक के ऊपर अपनी वेबसाइट के लिंक्स को शेयर करते हो, फेसबुक वाले आपके लिंक्स को भी ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा बहुत ही ज़्यादा दफ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग मुझे नीचे वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स करके बोल रहे होते हैं कि फेसबुक ने हमारे URL को ब्लॉक कर दिया, इसका सोल्यूशन बताए, इसके ऊपर वीडियो बनाए। मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए लेके नहीं आ रहा था, मेरे भाई फेसबुक पे अगर आप शेयर करके ट्रैफिक लेते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। आपने यार फेसबुक से ट्रैफिक नहीं लेना, अपनी पोस्ट को शेयर नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि यार फेसबुक से ही ट्रैफिक आता है आपका और कहीं से नहीं आता, मैं आपको बताऊँ अपनी पोस्ट की, अपने आर्टिकल की, अपने वेबसाइट लिंक की SEO करो ताकि गूगल से आपको ट्रैफिक आना शुरू हो। अगर आपका 50% ट्रैफिक गूगल से आ रहा है, उसके बाद यार 40-30% आपका फेसबुक से आ रहा है, तो कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपका टोटल 100 में से 80-90% 70% 60% ट्रैफिक भी फेसबुक से आ रहा है, तो आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल है आपके पास, आपको यहाँ पे एड लिमिट लग जाएगी, जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन होने के चांसेस है, डिसेबल होने के चांसेस है गूगल एडसेंस। तो यार मेरे भाई ध्यान से देख रहे हैं, इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा, आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया। तो वीडियो छोटी सी इसलिए बनाई ताकि यार आपका एक ये डाउट क्लियर हो जाए कि फेसबुक से ट्रैफिक ले इसके बेनिफिट क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस हमें क्या मिलने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, अच्छी लगी है, यूनिक वीडियो इसलिए लेके आया हूँ मेरे भाई कि आपको यहाँ पे पता चल जाए इस कीवर्ड के ऊपर कोई सर्चेज नहीं है, कोई बंदा इस कीवर्ड को यूट्यूब पर सर्च नहीं करता, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर व्यूज़ भी कम मिलने वाला है, अर्निंग भी बहुत कम होने वाली है। इसलिए मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इस वीडियो को देख ले, वो अपना सारा ट्रैफिक जो है फेसबुक से ना लाए, 30% 40% ट्रैफिक फेसबुक से ले, बाकी सारा ट्रैफिक जो है ऑर्गेनिक ले, ठीक है, गूगल से ले, बैकलिंक क्रिएट करे, इस तरह से ट्रैफिक ले, कोरा वगैरह से ले, लेकिन फेसबुक से टोटल ट्रैफिक नहीं ले। ओके हो गया, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर जो बंदा पहली दफा आया चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, इस सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोड़ो चाहे फोड़ो या फिर आग लगा दो, मुझे नहीं पता, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो मेरे भाई इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ पे आ रहा है, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा।